नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्कर से आ रहा है, मैं ऊपर जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मेरे ख्याल से बियर कुछ ज्यादा ही हो गई। बाय। ओके, यू टेक केयर। खुला है यार, आजा अंदर। अरे तेज, तू अब तक ऑफिस नहीं गया? बस यार, अभी निकल ही रहा था। वैसे तू रात भर कहाँ था बे? वही अपना रोज का धंधा, एक नया MMS क्लिप मिला था, बस उसी को बेच रहा था। और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें? और जो पैसा मिला होगा उसे लड़की और दारू में उड़ा दिया होगा। बेशर्म, जब तक है जी, जी भर के पी, ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। इधर तेरी बातें सुनने बैठूंगा ना मैं, तो ऑफिस में मेरा मैनेजर लात मार कर भगाएगा मुझे। चल, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मेरे को। अरे अपनी ऑफिस की लड़कियों की क्लिप तो लाके दे दे, तुझे मालदार बना दूंगा, फिर ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरा काम ना तुझे मुबारक, मुझे तेरे फट्टे में नहीं पड़ना। अच्छा एक बात बता, सच दच के कहाँ जा रहा है? बस यार, कोई नई आइटम पटाने के चक्कर में, बस लगा हुआ। लगे रहो बिड़ू, सही जा रहे हो। क्या माल है यार, एकदम टोटा। क्या हुआ सारिका, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं सच बोल रही हूँ सिमरन, मैं इस ऑफिस के लड़कों से परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? क्या होगा, एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठने देते, जब देखो घूरते रहते। तो घूरने दे, तू क्यों अपना दिमाग खराब करती है यार? और लड़कों को छोड़ दूं, लेकिन तेज का क्या करूं? तेज ने तुझे फिर से चढ़ा क्या? जब देखो तब कुत्तों की तरह घुरता रहता है। और तो और, आज गुंज ने भी कंप्लेंट कर दी।
क्या माल है यार, एकदम टट्टा। तू सच कहती है यार, तेज ही क्या, दुनिया के सारे मर्द कुत्ते ही तो होते हैं, उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वही खड्डा। देख आ रहा है तेरा दीवाना। दीवाना माय फुट। हेलो गाइस, तुम तीनों एक साथ क्या कर रहे हो? डांडिया खेल रहे हैं। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे भी खिलाओ ना, मेरे पास भी डांडिया। ये नहीं सुधरेगा। हेलो। हाँ अरे रुक, मैं भी आ रही हूँ। अगर तुम्हारा ताकना झाकना बंद हो गया तो मैं कुछ बोलूं? कुछ मत बोल, बस मुझे उसे पटाने का तरीका बता दे। तुम्हें लड़की से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? और तुमने समझ क्या रखा है लड़कियों को? बीएसटी बस, जो एक जाए दूसरी आए। ऐसी बात नहीं है सिमरन। तो कैसी बात है? बात दरअसल ये है कि जिस लड़की से मुझे प्यार है वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे उससे प्यार हो जाता है जो मेरे पास है। पहले भी एक बार तुम्हें मैनेजर एक वार्निंग लेटर दे चुके हैं। क्या समझ जाओ और सुधर जाओ। हाँ हाँ। अपनी हरकतें सुधार लो तुम थोड़ी। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तेज? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना। कमीने साले, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। May I come in, sir? हाँ yes, come in. Have a seat, बैठो। Thank you, sir. तेज तुम्हारी फिर से कंप्लेंट आई है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, याद है ना? सर मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती उसकी है। ऐसे ही उल्टा ऊपर से मेरे को थप्पड़ भी मार दिया उसने। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया और उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? सर मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सिमरन ने उसे मारा और इल्जाम मुझ पर आया। गलती से? वो जोर जोर से रो रही थी। सर लड़की है ना, जब तक रोती नहीं तब तक वो सही नहीं होती, और जब एक बार रोना स्टार्ट कर दिया तब वो सही हो जाती है और हम सब गलत हो जाते हैं। एनीवेज अब तुम्हारा मैं क्या करूं? सर ये तो अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो मामला दबा भी सकते। भाभी का फोन है सर। हाँ जी बोलो। फिर मिस कॉल देना शुरू कर दिया? अरे मिस कॉल नहीं किया, कॉल कर रहा था, डिस्कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि स्टाफ का एक आदमी कैबिन में आया हुआ था। वैसे तुम अभी हो कहाँ? मैं फार्म हाउस में हूँ, वहीं से बात कर रही हूँ। फार्म हाउस पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? अरे मैंने सोचा रास्ते में ट्रैफिक होगा इसलिए कामना और मैं जल्दी निकल गए। चलो तुम और कामना अगर साथ में हो तो मुझे किस बात की टेंशन है, लेकिन तुम शाम तक करोगी क्या? पार्टी की तैयारी और क्या। चलो ये भी बहुत अच्छा है, तो तुम दोनों शाम तक टाइम पास करना। वो सब ठीक है, मैं बोल रही थी कि उसे 2-3 दिन यहाँ रहना है। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम सब साथ में 2-3 दिन रहेंगे ना वहाँ पर। हाँ फिर जल्दी आने की कोशिश करना और स्टाफ को इनवाइट करना मत भूलना। ओके स्वीट हार्ट, आपका हुक्म सर आंखों पर। बाय बाय। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। एनीथिंग एल्स, कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम यार, वो कल मेरी शादी की सालगिरह की खुशी में मैंने एक फार्म हाउस पे पार्टी रखी है। दैट्स ग्रेट सर, तो वीकेंड आप अपना फार्म हाउस पे मनाने वाले हो? हाँ मेरी साली जो यूरोप से अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आई है छुट्टियाँ मनाने के लिए, वो चाहती है कि हम कुछ दिन साथ में बिताएं फार्म हाउस पे। वेरी गुड सर, हमें इन्वाइट नहीं करोगे? हाँ आ जाओ यार, वैसे भी स्टाफ के बाकी लोग तो वहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ कोई बदमाशी मत करना। सर कैसी बात कर रहे हो आप, बदमाशी और मैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको तो पता ही है ना संत पुरुष हूं मैं। तुम और संत पुरुष,
मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऑफिस में काम कर रही किसी भी लड़की को छेड़ना नहीं, और कभी उसके साथ दोस्ती से ज्यादा कोई रिश्ता मत रखना, वरना जैसे यहाँ तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, वैसे ही हर जगह तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सर, औरत और आदमी के बीच दोस्ती नामुमकिन। एक औरत और आदमी के बीच दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? सर, बड़ी सिंपल सी बात है, औरत और आदमी के बीच ना सिर्फ हवस हो सकती है, प्यार हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दोस्ती कभी नहीं हो सकती सर, कभी नहीं। औरत को कमजोर मत समझ, औरत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सर, ये आपकी गलत फहमी है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आदमी की जवानी और औरत की खूबसूरती। तुम्हें औरत के क्रोध का अंदाजा नहीं है बच्चू, जब तुम्हारा किसी औरत से पाला पड़ेगा ना, तो उस दिन तुम्हारे सब होश ठिकाने आ जाएंगे। सर, आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, दैट्स इट। वैसे तुम काफी किस्मत वाले हो कि तुम्हारा मामला सिर्फ टर्मिनेशन तक ही निपट गया, अगर पुलिस कंप्लेंट हुई होती बच्चू बहुत डंडे खाने पड़ते तुम्हें। साला पुलिस की धमकी दे रहा है, देख लूंगा तेरे को। कुछ कहा? नहीं सर, कुछ नहीं।